हाँ वो शुरू हो जाए, वो तो हमने कहा ही है। तो पहले तो उसके ट्रेनिंग बहुत जरूरी था ना, तो एक एक बार उसका एक एक चीज की समीक्षा कर रहे थे क्या हुआ, तो एक एक चीज को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफी संख्या में ट्रेन किया गया है, और उसके बाद सब जगह जा जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे देखेंगे। कोई अपजात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा एकदम। हमने कहा कि एकदम बिल्कुल करना है, और मान लीजिए कि यहाँ नहीं है और बाहर रह रहा है तो बाहर वाले के साथ भी कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना। और कौन अलग अलग जातियों का जाति जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी, तो इसलिए एकदम बिल्कुल। और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको बहुत सिखवाया है कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण। लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना हम लोग, तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फायदा मिले, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। और कोई गरीबी स्थिति में है तो उसको और क्या करना चाहिए, एक एक चीज की जानकारी। खाली जाति का आधारित गणना खाली हम नहीं करवा रहे, पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो जाएगा ताकि एक एक चीज की जानकारी सरकार को हो जाएगी कि और क्या क्या काम करना चाहिए ताकि सब लोगों का विकास हो जाए। सर राष्ट्रीय स्तर पे भी चाहते तो लोग एग्री नहीं किए, तो हम लोग यहाँ करेंगे और यही नहीं कर रहे, एक एक चीज की जानकारी लेकर के हम लोग करेंगे। और यहाँ जो भी होगा तो हम लोग तो इन्फॉर्म कर ही देंगे कि यहाँ का यह स्थिति, अगर इसी तरह से करवा लीजिए देश के विकास के लिए और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए बहुत फायदा होगा। तो हम लोग इसी दृष्टिकोण से कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।